नमस्ते सभी पेरेंट्स और बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को, उन बच्चों को जो लोग नीट में सेलेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, वे प्रयास जारी रखें। आप लोग लॉन्ग रन में बहुत अच्छा करेंगे, बस कंसिस्टेंट रहिए। आज मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा होगा कि काश मैं एक क्वेश्चन और सही कर देता तो मुझे एम्स दिल्ली मिल जाता, या आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे वो सिलेक्शन तो हो गया लेकिन काश एक क्वेश्चन सही कर देता तो मुझे भोपाल एम्स या भुवनेश्वर एम्स मिल जाता, या मैम्सी मिल जाता, या लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज मिल जाता, या के ये मुंबई मिल जाता। नहीं तो देखिए, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो जो कि एमसीआई पहले वाला और अभी का एनएमसी रिकग्नाइज है ना, और वहां से यदि एमबीबीएस कर रहे हैं आप, तो एकेडमिक्स की जहां तक बात करूं मैं, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है एमबीबीएस में, जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटीज और एक ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत डिफरेंस हो सकता है शायद, बट मेडिकल फील्ड में ऐसा नहीं है। एमबीबीएस किसी भी मेडिकल कॉलेज से आप कीजिए, जहां तक लॉन्ग रन में करियर है आपका, वह बराबर हो सकता है एज गुड एज एम्स न्यू दिल्ली के किसी एमबीबीएस स्टूडेंट के जितना। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूं, मैं अपने इर्द गिर्द अपने सीनियर्स में, जूनियर्स में, अपने बैचमेट्स में, मेरे खुद के करियर में, जहां हम एम्स न्यू दिल्ली के स्टूडेंट से बेटर प्लेसमेंट पाते हैं इन फ्यूचर। तो आप यदि एमबीबीएस में प्रवेश करने को कॉलेज से यदि गिन रहे हैं, लेकिन जिस कॉलेज में मैं प्रवेश कर गया वहां से मेरा बड़ा या अच्छा डॉक्टर या बहुत अच्छा डॉक्टर या बड़ा रिसर्चर बनने की उम्मीद है, तो अकेला कॉलेज एक फैक्टर नहीं है। कॉलेज फैक्टर हो सकता है जो कि मामूली है, सबसे बड़ा फैक्टर आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, और उससे भी बड़ी बात आपका अपना एटीट्यूड मैटर करता है। एमबीबीएस क्रैक कर लेना अभी एक शुरुआत मात्र है, इसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, एटीट्यूड सही रखना है आगे के अपकमिंग ईयर्स में। जब आप ये कर पाएंगे तो आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज से हो, यदि एमबीबीएस वहां कर रहे हो, तो आप लॉन्ग रन में किसी से भी आगे निकल सकते हो। यहां तक कि मैं, जैसे मैं किस लिहाज से ये सब बातें कर रहा हूं, बहुत लोग मुझे जान नहीं रहे होंगे, जो उनके लिए बता दूं, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल हूं। मैं बहुत सालों से मेडिकल फैकल्टी हूं और पीडियाट्रिक्स में बहुत सालों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, और डिफरेंट डिफरेंट जो कॉलेजेस होते हैं वहां हम लोग एग्जाम लेने भी ऐसे एक्सटर्नल जाया करते हैं, और हमारे पास एम्स के फैकल्टीज भी आते हैं, एम्स भोपाल वगैरह के रीजनल फैकल्टीज, उनको फ्रेंडशिप भी हमारी उनसे, तो हम लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं। साथ में मैं सीनियर रेजिडेंट रहा हूँ एम्स न्यू दिल्ली में और मैम्सी में, तो इस लिहाज से एक अच्छा खासा 20 ईयर्स से ज़्यादा का लगभग मुझे एक्सपीरियंस है मेडिकल टीचिंग लाइन का। तो वहां से जो मैंने देखा है, जो प्लेसमेंट्स देखे हैं, तो आपको बता दूं कि एक ऑर्डिनरी कॉलेज से निकला हुआ बच्चा जो है वो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम मात्र है एमबीबीएस, जहां पर आप आगे के एग्जाम्स जो कि जैसे नीट पीपीजी है या डीएम है या एमसीएच है या यूएसएमएलई है, प्लैब है, इन सब के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह इसको लीजिए एमबीबीएस को, और इसे एंड पॉइंट मत समझिए, और ना ही दुखी होइए कि मुझे कोई ऑर्डिनरी कॉलेज मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक एकेडमिक्स की बात है, फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एम्स में भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी फी ना के बराबर है, 5,000 रुपये 5 साल की फी है, जबकि कई ऑर्डिनरी कॉलेजेस में बहुत ज्यादा फीस होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। कैंपस लाइफ में फर्क हो सकता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां के कैंपसेस बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, मीन्स एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनमें फर्क होता है। तो आपका जो एंजॉयबल कैंपस लाइफ है 5 ईयर्स की, वो रिलेटिवली ज्यादा हो सकती है। मैं रिलेटिव वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगेन आपके एटीट्यूड और पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। आप किसी नॉर्मल कॉलेज, ऑर्डिनरी कॉलेज में भी हैं स्टेट रन, तो वहां भी ऐसा तो है नहीं कि जीरो कैंपस होगा, वहां भी कोई ना कोई गेम होगा, वहां भी कोई ना कोई स्पोर्ट ग्राउंड होगा, वह उस सिटी में कोई एकेडमी हो सकती है। तो ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि आप कुछ और करना चाहते हो, सिंगिंग साथ में कंटिन्यू करना चाहते हो, डांस एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हो। तो कॉलेज लाइफ में रहते हो आप थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूट जैसे मैंने एम्स न्यू दिल्ली के में जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वहां का कैंपस लगता है, जहां स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्क्वैश है, ये है वो है। लेकिन जहां तक एकेडमिक्स की बात है, एकेडमिक्स आपके या पढ़ाई की बात है, वो आप पर ज्यादा निर्भर करेगा, आपके फैकल्टीज पर कम निर्भर करेगा। देखो, जो एमबीबीएस में इक्वेशंस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, जैसे कि नीट में आप किया करते थे, जहां पर एक मैथ्स या सॉरी फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक टीचर की ज्यादा जरूरत होती हो, या कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बताने की जरूरत होती हो, यहां पर टीचर्स एमबीबीएस में फैसिलिटेटर्स की तरह काम करते हैं, ना कि एक टीचर की तरह।
प्रॉपर मेन आपको खुद करना है, हम लोग आपका हाथ बटाने के लिए, आपको थोड़ा सा पुश देने के लिए बस है। तो इतना काम हर कॉलेज में होता है, जैसे कि MBBS में इंपॉर्टेंट होता है आपको याद करना, एनालाइज करना, एनालाइज मीन्स केस प्रेजेंटेशन होते हैं जो, या हिस्ट्री टेकिंग से हम लोग डायग्नोसिस जो बनाते हैं, उन स्किल्स की जरूरत होती है, उसमें आपके टीचर्स आपको हेल्प करते हैं। फैकल्टीज इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी हो सकता है नहीं, बेटर हो सकती है, लेकिन MBBS के लिए आपको जिस तरह की फैकल्टी चाहिए वो किसी भी स्टेट वन कॉलेजेस में होती है, क्योंकि फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट एक कॉम्पिटिशन के बाद ही होता है, और NMC की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि एक फैकल्टी जो है वो MD होने के बाद, कम से कम MD MS होने के बाद एक साल SRship होना चाहिए, सबके लिए लागू है, साथ ही साथ में उसको जो है पब्लिकेशन होने चाहिए उसके पास, इस तरह प्रमोशन सभी मिलेंगे, तो इस तरह के रूल्स सब पर लागू होते हैं हर एक कॉलेजेस में, इस वजह से एक मिनिमल स्टैंडर्ड हर कॉलेज मेंटेन करता है। तो ये वीडियो इसलिए है कि आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है वहां सेंस ऑफ प्राइड के साथ जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए कि मैं अच्छा करूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, एंजॉय करूंगा, पॉजिटिव चीजों को करूंगा, एडिक्शंस वगैरह से दूर रहूंगा, अपनी लाइफ में अच्छी आदतें और अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी ध्यान दूंगा अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, और बस इतना यदि आप करते हो तो आपको बहुत बड़ा और बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनने से या रिसर्चर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से पास आउट मेरे अपने स्टूडेंट्स जो है, मैंने आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर आशीष गुप्ता का देखे, वो US की एक टॉप यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, यहां से पास आउट स्टूडेंट मेरा अपना फ्रेंड डॉक्टर कमल नैन गुप्ता ऑन्कोलॉजिस्ट है UK में और बहुत अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट है, यहां से पास आउट स्टूडेंट डॉक्टर आशु रस्तोगी, आप उसमें गूगल पे टाइप कर लीजिए, PGI चंडीगढ़ के एंडोक्रोनोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है, यहाँ पर हमारे अंडर में MD पीडियाट्रिक्स किया जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, ऑर्डिनरी कॉलेज है जबलपुर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, बट यहाँ से वो PGI चंडीगढ़ का एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट है। तो आप आज जो UG में एम्स में पहुंच रहे हैं जो लड़के या लड़कियां, और आप किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में पहुंच रहे हैं, मैं आपको बताऊं लॉन्ग रन में यदि आप कंसिस्टेंट रहते हैं कछुए की तरह तो उनको हरा सकते हैं, हालांकि मैं बोल हराना वर्ड गलत है, ना यहाँ कोई जीत रहा ना हार रहा, बट फिर भी उनसे आप ज्यादा बेटर प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं मटेरियलिस्टिक टर्म्स में। जहां तक अच्छा डॉक्टर बनने की बात है वो तो आपके अपने ऊपर है, वो तो एक पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वो ईमानदारी, आपके इन सब का इंग्रेडिएंट होता है अच्छा डॉक्टर। बड़ा डॉक्टर, नामी डॉक्टर, ज्यादा पैसे कमाने वाला डॉक्टर कोई भी कॉलेज की ना तो गारंटी देता है जैसे एम्स हो, और ना ही कोई कॉलेज जो लो रैंक में हो ये बोलता है कि ऐसा आप नहीं बन सकते। क्लियर? तो एक जो डॉक्टर अपना क्लिनिक रन करता है, हॉस्पिटल रन करता है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर होता है अपने आप में। तो आप में एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड है और कितना जल्दी आप सीख रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना बड़ा नाम होता है अपार्ट फ्रॉम मेडिकल नॉलेज आपका। क्लियर? तो ये मेडिकल फील्ड जो है IITs और नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन मेडिकल में इतना बड़ा फर्क नहीं है एम्स से ऑर्डिनरी कॉलेजेस में, आपको मैं बता दूं, तो इसलिए बिल्कुल दुखी नहीं हो। एम्स मिल रहा हो तो जरूर ऑप्ट करना, क्योंकि कैंपस लाइफ, आपका पीयर ग्रुप, ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा एडवांटेजेस देंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको गारंटी देंगे लॉन्ग रन में सक्सेस की। ठीक है? वो आपको अल्टीमेटली आपकी अपनी सिंसियरिटी, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी ही आपको लॉन्ग रन में आपको सक्सेसफुल बनाएगी, चाहे आप जिस भी कॉलेज से हो। फिर ये कॉलेज के लिए इतनी मारामारी क्यों रहती है आखिर, आप ये बोलेंगे। तो वही कैंपस लाइफ का फर्क मैंने देखा है, हॉस्टल्स, खाने में फर्क देखा है, एकेडमिक्स में MBBS में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि बुक सबकी सेम है, आप चाहे बुक्स यहां पढ़ो चाहे एम्स नई दिल्ली में पढ़ो वही बुक पढ़नी, वही हरिसन हमको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़नी, वही नेल्सन हमें, ये बुक्स के नाम है जो आप लोग अब जानोगे MBBS में जाने के बाद, पीडियाट्रिक्स की नेल्सन है जो, वो यहां भी पढ़नी है वहां भी पढ़नी है, ये तो बिल्कुल सेम है। ठीक है? बुक सेम है आपकी, फैकल्टीज को सेम पढ़ाना है, क्लासेस सिमिलर हैं, साथ में आजकल आपकी जनरेशन में तो ऑनलाइन में इतना कुछ अवेलेबल होता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो जो डिफरेंस है उसका कम होता जा रहा है। तो एकेडमिक्स को लेके या फ्यूचर करियर को लेके आप जरा भी चिंता मत कीजिए, जिस भी कॉलेज में हो आप ये देखिए कि आप पॉजिटिव है कि नहीं, आप अंदर से बेस्ट है कि नहीं, बेस्ट यदि कुछ है भीतर से वो आपके भीतर है, बाहर मत ढूंढिए बेस्ट। ठीक है? बाहर मिल रहा हो तो ऑप्ट कर लीजिए, अदरवाइज सारे कॉलेजेस बराबर हैं, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू।